अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ना अभी मैं बैक टू बैक शूट कर रही हूँ वीडियोस, क्योंकि अभी मैं नाइट में शूट करती हूँ। आजकल ये 2 बजे तक मैंने वीडियो शूट किया। अच्छा, मैं ना वैलेंटाइन मेकअप लुक शूट कर रही हूँ, तो देखते हैं हम लोग ने कैसे क्रिएट किया ये वाला लुक। सबसे पहले मैंने ये ग्रीन टी वाला फेशियल टोनर लिया। ग्रीन टी वाला इसलिए क्योंकि पिम्पल्स वगैरह आते हैं ना मेरे, तो ग्रीन टी हेल्प करती है पिंपल्स को, मतलब कि ठीक करने में वर्क करती है उसके ऊपर। इसलिए ये ना मुझे खुद ब्रांड ने भेजा था, ये रेजो शोर का है। और ये भी रेजो शोर का फेशियल सीरम है, ये भी काफ़ी अच्छा वाला सीरम है। अगर मुझे डूई और फ्लफी कह रही हूँ सॉरी डूई और अच्छा बेस चाहिए ना, फ्लॉलेस बेस चाहिए, तो मुझे उसके लिए सीरम, मॉइस्चराइज़र अच्छा सब करना पड़ेगा। अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना पड़ेगा, तभी मेरा बेस अच्छा ग्लो करेगा। सो फिर है ये न्यूट्रीडर्म की मॉइस्चराइजिंग लोशन है, ये भी काफ़ी अच्छी है, विंटर्स के लिए बहुत अच्छा है। ये थिक है, एकदम क्रीमी थिक वाली है। अगर आपके स्पॉट्स हैं, डार्क स्पॉट्स पड़े हुए हैं, फेस में कोई भी मतलब प्रॉब्लम है, तो इससे ये ठीक हो सकता है ये क्रीम। मतलब ये भी मुझे खुद ब्रांड ने भेजी थी। या बहुत अच्छे से ये क्रीम मॉइस्चराइज करती है आपके फेस को। फिर मैं ये ले रही हूँ मामाअर्थ का, ये भी मुझे ब्रांड ने भेजा था। अच्छा, आज के स्किन केयर के प्रोडक्ट सारे ही मुझे ब्रांड ने भेजे। नहीं, हाँ, रेजिशोर वाला भी और न्यूट्रीडर्म वाला भी और मामाअर्थ वाला भी। अच्छा, स्किन केयर ब्रांड के साइड से हो गई आज तो। ये है, अच्छा हाँ, मैं सब लोग को देखती हूँ। लोग ना पहले मेकअप से पहले वो लगाते हैं, जिससे स्विस ब्यूटी का लगाते हैं एल्यूमिनेटर, तो मेरे पास एल्यूमिनेटर नहीं था ना, था वैसे लेकिन मुझे वाला नहीं लगाना था क्योंकि वो गोल्डन था। सो मैंने आज बेला वॉश का लगा के ट्राई किया, बेस बहुत ज़्यादा ग्लॉसी ग्लॉसी बना था सच में, मतलब बहुत सही वाला बेस बना था, ग्लोई डुई सा। अब मैं हर्षिस ले रही हूँ क्योंकि मैं प्राइमर लगाना भूल गई। तो अभी ना ये मैं इनसाइड कॉस्मेटिक का ये पोर मिनिमाइजिंग वाला, मिनिमाइजिंग क्या होता है, मिनिमाइज कुछ भी बोल रही हूँ, मिनिमाइज वाला प्राइमर लगा रही हूँ। आपके जितने पोर्स होंगे ना सब ब्लर हो जाएंगे, सब मतलब आपका बेस है ना बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस बनेगा। हाँ, अब मैं वापस से वही बेला वॉश वाला लगाया, मैंने उसको ब्लेंड नहीं किया इस बार, ठीक है। अब मैं इसको सोच रही हूँ फाउंडेशन के साथ ही ब्लेंड करूँगी। ये मेरा फिट मी फाउंडेशन था, इसको मैं अपने फेस में डॉट डॉट करके लगा लूँगी। ये भी मैंने स्वाति दीदी से ही सीखा है, ज़्यादा भर भर के नहीं लगाऊँगी, वरना ना बहुत ज़्यादा केकी सा भी लगने लग जाता है मेरे फेस में, तो मैंने नोटिस किया है। तो मैं डॉट डॉट करके लगा लूँगी अपने पूरे फेस में, ठीक है। फिर मैं इसको एक, अच्छा हाँ, ये मैं बता देती हूँ आपको, अपना ब्यूटी ब्लेंडर गीला कर लेना, पहले पानी में डाल देना थोड़ी देर के लिए, उसको स्क्वीज आउट कर लेना, उसके बाद ही करना, ठीक है, ब्लेंड करना, बहुत अच्छा ब्लेंड होगा, फ्लॉलेस बेस बनेगा। ये माइग्लैम का है, ये कॉन्टोर स्टिक है, ठीक है, इससे मैं अपनी पूरी कॉन्टोरिंग करने वाली हूँ। आज मुझे क्रीम कॉन्टोरिंग करने का मन था, मैंने कहा अगर प्रोडक्ट है तो क्यों ना करें। नोज़ की कॉन्टोरिंग कर ली, चिन एरिया कर लिया। फिर मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का कंसीलर, ये कंसीलर ना बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, सो इसको बहुत जल्दी ब्लेंड करना पड़ता है। मुझे तो ये नहीं पसंद आता, लेकिन मैंने बहुत अच्छे कॉमेंट्स सुने थे, इसके रिव्यूज़ देखे थे, तभी मैंने इसको परचेस किया था। सो फिर मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। सबका अपना अपना फेस का टाइप होता है, तो
ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं, अच्छा है, उन दूसरों के फेस में सूट कर जाता होगा, शायद मेरे में नहीं सूट कर रहा है, सबका अपना अपना टाइप होता है। ठीक है, अच्छे से ब्लेंड हो गया, फिर ले रही हूँ नायका का कॉम्पैक्ट। इसमें मेरा शेड दिख नहीं रहा यार, फोकस नहीं करता है। फिर इसमें मेरा शेड पता नहीं क्या है, लेकिन ये नायका का कॉम्पैक्ट है, मुझे इतना पता है। इससे मैं अपना पूरा फेस जितना बेस है ना सेट कर दूंगी, काफ़ी अच्छा वाला कॉम्पैक्ट है, पूरा फेस अपना सॉरी ब्लेंड ब्लेंड नहीं कर रही हूँ सॉरी, जितना पूरा फेस है ना मेरा उसने मैट कर दिया है। फिर है ये माई ग्लैम का के प्ले वनीला ब्लश, इसमें मेरा ये कोरल कलर कोरल से शेड का है, इसमें मेरा ऑरेंज कलर भी है मेरे पास, पर बट मैं इसमें कोरल ले रही हूँ क्योंकि मेरा मन था वैलेंटाइन लुक कर रही हूँ ना, मुझे था थोड़ा ब्लश अच्छे से लगाऊँ। सो इसको मैं अपने चीक बोन्स पे लगा रही हूँ, साथ ही साथ अपने हाईलाइट सॉरी कॉन्चोरिंग को भी ब्लेंड करती जा रही हूँ। देख रहे हो ना कितनी अच्छी कॉन्चोरिंग हुई है क्रीम से, क्रीम कॉन्चोर से। ये क्या कर रही थी ये, कुछ मतलब बैठे बैठे पागल हो जाती हूँ मैं भी। फिर ले हाँ, फिर मैं वापस से क्या, फिर मैं स्विस ब्यूटी की आईब्रो पैलेट ले रही हूँ। इससे ना मैं अपनी आईब्रोज फिल करूँगी, बहुत मुश्किल से फिल हुई, मेरा रिएक्शन देखो ना, बहुत मुश्किल से फिल हुई। फिर मैं जस्ट इसको हल्का सा कॉम करूँगी, बहुत मुश्किल से फिल हुई, फिल ही नहीं हो रही थी। अच्छा ये है मनीष मल्होत्रा का आई शेडो पैलेट, ओ माई गॉड, इसका भी आप जादू देखना। आई लव दिस पैलेट, आई टोटली लव दिस पैलेट। इसमें से मैं ये ब्राउन शेड ले रही हूँ, बहुत पिगमेंटेशन दे रहा था, बहुत, जस्ट मैंने टच किया, जस्ट ये तो टच करने का था, जस्ट टच किया और इतना पिगमेंटेशन दिया इसने। अब मैं इसको कर रही हूँ ब्लेंड 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 करूँगी। ब्लेंडिंग में आप अच्छे से अपना टाइम दो और उसको ब्लेंड होने दो। देखो ब्लेंड करने के बाद पाँच मिनट के बाद देखो कुछ ऐसा आया। हाँ फिर मैंने एक ब्रश लिया वापस से, हल्कू सा फ्लफी सा छोटू सा, उसको मैंने अपने दोनों आईज़ के कॉर्नर, एक तो मैं समझा नहीं पाती हूँ, प्लीज़ समझ जाना आप, दोनों आईज़ के कॉर्नर में लेके डार्क ब्राउन शेड लिया, उसको वापस से ब्लेंड किया ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रह जाए। ठीक है, फिर ये बीच में जो वाइट कलर का शेड है ना स्पार्कल सा, वो मैंने लगाया, और इसमें क्या जादू था ना, आई थिंक इसका कुछ नाम होता है ये वाले शेड का, ये दिख तो वाइट रहा है पर लगा रही हूँ तो ये पर्पल कलर का हो जा रहा है। ये देखो ये देखो, मैं इतना खुश हो गई थी ना देख के, पता नहीं इसमें मतलब क्या है। फिर मैं इसको वापस से ब्लेंड कर रही हूँ, इसको कुछ बोलते हैं, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करो, मोनोक्रोम ऐसा करके कुछ बोलते हैं आई थिंक, हाँ मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर देखो ना कैसे ये पिंकिश और बिल्कुल जैसे परी का कलर नहीं होता, परी की फ्रॉक का वैसे हो गया, बहुत सुंदर शेड था ये। इसको मोनोक्रोम करके कुछ ऐसा कहते हैं, आपको पता है तो कमेंट करो। फिर मैंने बातों बातों में माई ग्लैम का ब्राउन आईलाइनर सॉरी काजल लगा लिया था ब्राउन कलर का, मुझे ज़्यादा अपनी आईज़ हैवी नहीं करनी थी। फिर है ये माई ग्लैम का आईलाइनर, ये भी ब्राउन आईलाइनर है बट ये चलने के बाद तो ब्लैक ही दिख रहा था। सो मैं ब्राउन कलर का विंग आईलाइनर क्रिएट कर लूँगी। ठीक है, ये मेरी आँखों के अंदर चला गया था यार। फिर मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का मस्कारा, ये भी बहुत अच्छा मस्कारा है, बहुत अच्छा मस्कारा है, मतलब मेरे को पसंद आता है ये वाला मस्कारा काफ़ी अच्छे से, एक ही बार में आपकी आईलैशेस ना ये कोट कर देगा, देखना, और लेंथ भी देता है वॉल्यूम भी देता है। अपर लैश में एंड लोअर लैश में लगा लूँगी अच्छे से। फिर है ये रोंजिल का फिक्सर, इससे मैं अपना फेस सेट करूँगी, काफ़ी अच्छे से सेट हो गया था। फिर अपना मैं ये वाला जो है ना हैंकी में लेके ही बैठती हूँ हाथ वाथ पोछने के लिए, बिकॉज हाथ में कभी मैं स्वैच करती हूँ या कभी कुछ करती हूँ। कैलाइलेस की लैशेस अप्लाई कर रही हूँ अपनी आईज़ में, इसकी ग्लू काफ़ी अच्छी है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। फिर मामा अर्थ की लिप बाम लगाई, ये है रेड शेड, एकदम टोमेटो वाला शेड है ये माई ग्लैम का, ये वाले तो मेरे पास बहुत सारे क्रायॉन्स हैं, ये वाले ब्रांड ने भेजे थे। फिर मैं इसको लगा रही हूँ, ठीक है, शेड देखो बस, रेड टोमेटो वाला क्रीमी सा शेड है बिल्कुल।
फिर यह है ये वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो, ये पूरा टूट गया है बिल्कुल, लेकिन मैं इसको लगाऊंगी। फेंक तो नहीं ना सकते ना फेंक तो नहीं सकते ना गाइस। अच्छा ये शेड बहुत अच्छा था, मेरे लुक के साथ बहुत अच्छे से मैच जा रहा था। आई थिंक पेटल्स ऐसा करके कुछ शेड है, मेगा ग्लो ऐसे करके, बहुत सही शेड है। अब ब्राउ बोन में लगाऊंगी एंड अपने आई के कॉर्नर्स पे लगाऊंगी। और मैं वापस से अपने लोअर लैश लाइन, सॉरी लोअर लाइन में, हाफ लाइन में वही जो मोनोक्रोम ऐसा करके कुछ था ना शेड जो आइस के लिड में लगाया, वो लगाया। ठीक है, बालों को थोड़ा सा ऐसे स्टाइल कर रही हूँ ऐसे करके, अच्छे लग रहे थे, बीच की मांग निकाली थी, बस बाल स्ट्रेट कर लिए। मैं सोची थी चोटी बनाऊँ ना बनाऊँ, फिर मैंने सोचा नहीं बनाते हैं, थोड़ा तो खोलूँ ना बाल, क्योंकि बाल मेरे इतने बड़े हैं भी नहीं। अच्छा अभी एक ट्रिक बताती हूँ आपको, ठीक है, ट्रिक बताती हूँ, देखना। वॉच पहले, अभी जैसे मैं अपने बाल स्ट्रेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे हीट नहीं करना था, हीटिंग नहीं करनी थी, अपने बालों में नहीं लगाना था। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, ये वाला कॉम मैंने एक ले लिया है, इसको गोल गोल घुमा घुमा के, जैसे नहीं पार्लर वाली करती है कैसे घुमा घुमा के बाल स्ट्रेट कर देती है, वैसे देखो मैं भी कर रही हूँ। ये देखो, ये देखो, इससे बाल सच में स्ट्रेट हो जाते हैं, कैन यू बिलीव गाइज, सच में स्ट्रेट हो रहे हैं बाल। देखो ट्राई करो, बहुत अच्छा है। सो गाइज, वैलेंटाइन लुक कैसा लगा कमेंट करना। बहुत मेहनत से बनाया सच में, रात में 2 बजे तक बनाया है मैंने, एक शॉर्ट्स भी डालूंगी आप देखना, सच में मैंने 2 बजे तक बनाया है, मेरा मन था ऐसा कुछ क्रिएट करने का, मैंने क्रिएट किया, कैसा लगा कमेंट करके बताना। सो मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय, लव यू।